नमस्कार, मैं दीपाली, आप सभी का स्वागत दीपाली एस्ट्रो में करती हूँ। और देखते हैं आज का दिन यानी कि 30 दिसंबर 2021 कैसा जाने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के साथ। मेष राशि वालों, जैसे सिचुएशन आपके लिए जीवन में चल रही है वैसे ही चलते चलेगी, कुछ खास उतार चढ़ाव उसमें देखने को नहीं मिलेगा। सामान्यता जो परिस्थितियाँ आपके लिए चल रही हैं उसी तरह से उसी धर्रे उसी पैटर्न को आपको आगे लेकर जाना है। चिंताओं से मुक्त रहिए, ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करिए। आर्थिक स्थिरता आपकी कहीं ना कहीं प्रबलतम होने के पूरे पूरे उसके संयोग बने हुए हैं। जो लोग नौकरी चेंज करने के इच्छुक हैं वो परिस्थितियां अब उनके लिए अनुकूल होकर सामने अच्छी गुड न्यूज या कुछ ना कुछ परिवर्तन से रिलेटेड कोई संभावना जनरेट होती हुई आज के दिन आपको नजर आ सकती है। पारिवारिक स्थिरता बनी रहेगी, मन आपका शांत रहेगा। कुल मिला के आज का दिन आपके लिए सामान्यता एट द सेम टाइम नई अपॉर्चुनिटीज को केटर करने का हो सकता है। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों, आज का दिन, आज का सिनेरियो, आज की परिस्थिति आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ अगर आप अपने परिवार के साथ रिलोकेट करने की सोच रहे हैं या अगर आप अकेले रह रहे हैं और परिवार के साथ यूनियन करने की सोच रहे हैं, परिवार के पास जाने की सोच रहे हैं, कार्यक्षेत्र के संदर्भ में कोई ट्रांसफर लेने की सोच रहे हैं, परिवार के साथ कहीं और रिलोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारी परिस्थितियाँ जो संभावनाएँ हैं वो सब आपके लिए परिवर्तित होती हुई नजर आएंगी। साथ ही साथ आज के दिन खान पान पे नियंत्रण रखना है। छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन आपको सेकंड हाफ के बाद हो सकता है, तो वाणी पर नियंत्रण रखिए, खान पान को सुनियंत्रित करके चलिए जिससे कि पॉजिटिविटी आपको चीज़ों में देखने को मिले। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं आपको भी मिथुन राशि वालों आज के दिन परेशान कर सकती हैं। खान पान को पॉजिटिव बनाते हुए आगे चलिए, दिमाग को शांत रखिए। नेगेटिव अगर आपको कोई व्यक्ति विशेष कर रहा है, नेगेटिव वाइब्रेशनल एनर्जी या नेगेटिव सिनारियोज आपको देखने को मिल रहे हैं, इमिडिएटली उस अवस्था से, उस परिस्थिति से, उस व्यक्ति विशेष से अपने आप को डिटैच करिए, पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करिए और आगे बढ़ते चलिए। कार्य क्षेत्र में इजाफा आपके लिए ऑलरेडी हो चुका है, जहाँ पर एक्सटेंडेड अगर मैं सिचुएशन देखूँ, कोई लर्निंग कर सकते हैं आप, कोई सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं, कार्य क्षेत्र में आपका कद अपने आप इजाफा होते हुए आप उसमें देखेंगे। साथ ही साथ निजी विस्तार, अगर व्यापार है तो उसमें विस्तार भी मैं आपकी परिस्थिति में होते हुए देख रही हूं। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से कर्क राशि वालों, आज के दिन थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप स्टेबिलिटी बिगड़ सकती है। कम्युनिकेशन को साथ रखने के साथ साथ कम्युनिकेशन को इंटैक्ट रखिए, कंटिन्यू रखिए, कंसिस्टेंसी बना के रखिए। साथ ही साथ क्रिस्टल क्लियर भी रखिए, बातों को जिस संदर्भ में कहा जाए उसको उसी संदर्भ में सामने वाला ले, इसकी कोशिश आपको करनी चाहिए। साथ ही साथ अगर छोटी मोटी दिक्कतें आपको स्वास्थ्य संबंधित आ रही हैं तो इमिडिएटली आपको डॉक्टरी परामर्श या एक सलाह लेने की ज़रूरत है। साथ ही साथ परिवार में माता या माता तुल्य किसी सदस्य की स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ आपके लिए चिंता का कारण बन सकती हैं। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। परिस्थितियां सिंह राशि वालों आपके लिए फेवरेबल हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बड़ी ही पॉजिटिव तरीके से आपने सिचुएशंस को अपने फेवर में लिया है। काबिले तारीफ़ है कि जिस तरह से आप आगे चलकर आए हैं, लोग आपके काम की जहां पर तारीफ़ नहीं कर पा रहे थे, अब आपके फेवर में चीज़ें हो रही हैं। साथ ही साथ लंबे समय से चल रहा अगर आपका कोई लीगल तनाव या बैटल या कुछ अवस्था है वो भी अब क्लियर होती हुई नज़र आएगी। कहीं से अगर आपके पैसे फंसे होंगे तो वो भी अब रिलीज़ होते हुए नज़र आएंगे। कुल मिलाकर आपके लिए एक नई पॉजिटिविटी का दौर शुरू हुआ है। इसी तरह से चलते चलिए, आपको सब तरफ से पॉजिटिव चीजों में देखने को मिलेगी। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों, आपके लिए गुड न्यूज़ यह है कि आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जिस तरह से जिस अवस्था में चल रहे हैं काबिले तारीफ है। इसी तरह से चलते चलिए, लोग आपके काम की तारीफ कर रहे हैं, आपको सब तरफ से प्रभावशाली सिचुएशंस देखने को मिलेंगी। किसी के थ्रू अगर आपका कोई काम बनना है जहां पर काफ़ी समय से ऑन होल्ड हो रही है परिस्थितियां, उसमें भी मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। लोग आपके काम की तारीफ करेंगे। साथ ही साथ अगर आप कुछ अपने लिए टाइम निकाल पाएंगे और अपने लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट टेक्निक्स पे काम करेंगे तो पॉजिटिविटी आपको चीज़ों में देखने को मिलेगी। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं तुला राशि वालों आपको सेकंड हाफ के दौरान चिंतित करके जा सकती हैं, तो स्वास्थ्य को इंटैक्ट रखना है, पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करिए, मन को शांत रखिए। जो अवस्थाएं, जो सिचुएशन, जो परिस्थिति आपको परेशान करके जा सकती है उसको आपको कंट्रोल करना है, केटर करना है उन सभी तथ्यों को जो आपको टेंशन देकर जा सकते हैं। साथ ही साथ लंबे समय से चल रहा कोई पारिवारिक तनाव भी इस समय बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो सकता है, तो आपको कम्युनिकेशन को सही रखना है, कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस को इन द फर्स्ट प्लेस अवॉइड करने की कोशिश करिए, पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करिए और आगे चलते चलिए। आपको सब चीज़ों में एक बैलेंस बनाने की, संतुलन बनाने की आज के दिन ज़रूरत है।
बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों, सामान्यता जाएगा आज का दिन, कुछ खास उतार चढ़ाव चीज़ों में देखने को नहीं मिलेगा। कार्य क्षेत्र में भी परिस्थितियां सामान्य रहेंगी, पारिवारिक स्थिरता भी बनी रहेगी, जैसे चल रहा है सिचुएशन चलती रहेगी। छोटा मोटा अगर दिक्कत होगी तो वो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित कोई दिक्कत हो सकती है, तो खान पान थोड़ा सा नियंत्रित रखें, अदरवाइज डूइंग एब्सोल्युटली फाइन, कोई विशेष चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सामान्यतः कार्य क्षेत्र में भी जैसे चल रहा है वैसे रहेगा, अगर प्रमोशन का कोई एस्पेक्ट या टाइमिंग आपका चल रहा है तो वहाँ से आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आज के दिन अगर आप कहीं ट्रैवलिंग आपकी शेड्यूल्ड है तो उस पर आप काम कर सकते हैं। बात करते हैं धनुराशि वालों के लिए। धनुराशि वालों, मन आपका पॉजिटिव रहेगा, परिस्थितियां आपके फेवर में रहेंगी, लोग आपके काम की तारीफ कर पाएंगे। काफ़ी लंबे समय से चल रहा कोई अगर पारिवारिक तनाव होगा तो वो भी अब साझा होता हुआ नजर आएगा। निष्कर्ष की तरफ आप आएंगे अपनी परिस्थितियों को और असिमिलेट करते हुए, कॉन्फिडेंस लेवल में इजाफा करते हुए, कंसिस्टेंसी के साथ नए चैलेंजेस को आप एम्ब्रेस करेंगे। कुल मिला के नया साल आपके लिए परिस्थितियां अच्छी करके जा सकता है, जिसकी शुरुआत आज से होती है। लंबे समय तक की अगर आप नए साल तक की भी प्लानिंग करना चाहते हैं तो सिचुएशंस आपके फेवर में हैं। कुल मिला के दिसंबर के महीने तक आते आते आपकी परिस्थितियां अनुकूल होंगी, जिसकी सिचुएशन सिनेरियो आज से डेवलप होते हुए नजर आएंगे। पारिवारिक स्थिरता या अखंडता भी बनी रहेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों, जैसे चल रहा है वैसे ही परिस्थितियां आपके लिए चलती रहेंगी। आपकी स्ट्रैटेजी, आपका मन, आपकी परिस्थिति, आपकी विचारधारा इज़ एब्सोल्युटली फाइन, कहीं पर उसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से आप चल रहे हैं, प्रभावशाली तरीके से सिचुएशंस को आपने हैंडल किया है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग सिनेरियोज होने के बाद भी आप डटे रहे हैं तो ये काबिले तारीफ है। इसी तरह से अपने आप को संतुलित करते हुए आगे बढ़िए। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में विस्तार के कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको देखने को मिलेंगी, पारिवारिक स्थिरता भी बनी रहेगी। या कुल मिलाकर मैं ये कहूँ कि आज के दिन आपका मन शांत रहेगा, अवस्थाओं को, सिचुएशंस को बेहतर तरीके से कंट्रोल में ले पाएंगे। अगर कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की या परचेस करने की सोच रहे थे तो वो चीज़ें भी अब आपके सामने आने वाली हैं विद अ बेटर डील। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। पॉजिटिविटी आपके लिए कुंभ राशि वालों सब तरह से इंडिकेटेड है। मन आपका स्ट्रांग है, विचार आपके प्रबल हैं, लोग आपके काम की तारीफ कर रहे हैं, साथ ही साथ नवीनतम परिस्थितियों को आप अपने फेवर में कर पा रहे हैं। लंबे समय से चल रहा कोई पारिवारिक तनाव भी साझा हो गया है, लोग आपके काम की तारीफ कर रहे हैं। पॉजिटिविटी एम्ब्रेस करके, अपने मन को शांत रखकर नई चीज़ों को एम्ब्रेस करिए, नए प्रोजेक्ट्स को टेकअप करिए। नौकरी चेंज करने के लिए भी अगर आप प्लान कर रहे थे, सिनेरियोस आपके लिए डेवलप होती हुई नजर आ रही हैं। जो लोग कंट्री से बाहर सेटल होने की भी सोच रहे थे, वो परिस्थितियां भी अब आपके लिए फेवरेबल हो रही हैं। कुल मिला के परिस्थितियां अच्छी हैं, मन आपका स्ट्रांग है, इसी तरह से चलते चलिए आपको अपने फेवर में और इन टोटैलिटी में सिनेरियोस पिछले 10 दिन से तो आप देख रहे होंगे पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं, और अगले 5 दिन में भी और आने वाली हैं। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों, कंट्रोल रहिए, कंटेन रहिए, कॉन्फिडेंस लेवल में इजाफा रखिए, संतुलित आहार लीजिए, संतुलित व्यवहार करिए, वाणी को कंट्रोल करिए, कम्युनिकेशन क्लैरिटी के साथ कार्य क्षेत्र में और अपने निजी जीवन में रखिए। पॉजिटिविटी आपको सब तरफ से देखने को मिलेगी। लंबे समय से चल रहा कोई लीगल तनाव किसी के साथ अगर बिजनेस पार्टनरशिप को लेकर है जो कि परिवार से बाहर है, उसमें भी अब आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, यानी कि या तो वो सेटलमेंट की तरफ जाएगा डिस्प्यूट, या फिर उसमें आप विजयी घोषित होंगे। कुल मिला के आपकी स्थिति लीगल एस्पेक्ट्स में भी पॉजिटिव हो रही है, मन आपका शांत है, विचारधाराएं प्रबल हैं, कॉन्फिडेंस लेवल में भी इजाफा रहेगा। कुल मिलाकर नई संभावनाओं को जनरेट करने की अवस्था, नई अपॉर्चुनिटीज़ को देखने की अवस्था, नए फ्यूचर की तरफ बेहतर प्रस्पेक्टिव के साथ प्लानिंग करने का आज का दिन माना जा सकता है। कुल मिला के आज का दिन आपके लिए नई योजनाओं पर काम करने का माना जा सकता है। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी दूर होंगी। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।